अलग ही मज़ा आ रहा है। तुम कुछ चीज़ देख सकते हो गाइस, पसंद है लगा लेना जो समझने वाले होंगे। स्पोर्ट मोड भाई, प्यारी कटिंग है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी कटिंग है भाई। बिल्कुल हल्की बाइक है, देख सकते हो भाई। ओए 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 की बहन का झुनझुना मारूं। तीसरी बार इस रेड लाइट पे फिर से रुक गया और आगे फिर एक रेड लाइट आ गई यार। इसकी बहन क्या बोलूँ यार। उम्मीद मिली थी कि इतना सामान मिल जाएगा, बट 6R का बहुत सारा सामान मिल गया। अभी प्रॉपर पहले ये सारा सामान फिट हो जाए, फिर एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सा सामान हमारी बाइक पे लगा है एंड कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी यार फटाफट से बाइक रेडी हो जाए पूरी, देन उसके बाद हम थोड़े सिनेमैटिक शॉट लेंगे इसके एंड शॉप के भी शॉट लेंगे, जिसने इनके पास क्रैश कार्ड वगैरह सब चीज़ जितनी एसेसरीज रखी हुई है एंड एक दो रील भी बनानी है। तो फटाफट से इसको रेडी करते हैं, देन उसके बाद इसकी दो चार शॉट लेके आपको आगे का दिखाते हैं। सो हेलो जी, वी आर बैक हो गया भाई। अभी शाम हो चुकी है एंड बाइक का फाइनल लुक हो चुका है। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाए क्योंकि आपको पता ही है भाई अभी 6R लॉन्च हुई है तो इसका सामान मिलना ना इम्पॉसिबल है और कहीं होगा भी नहीं संजय भाई से अलावा। एंड अभी सिर्फ तुमको ऊपर की दिखाते हैं। अब सो हेलो जी, वी आर बैक हो गया तुम्हारा अदर व्लॉग के अंदर। तो भाई कैसे आप लोग, होप कर दो बहुत अच्छे होंगे। इसको इग्नोर करो भाई, अभी स्टोरी लगा रहा हूँ एक्चुअली। बेंगाल असेंबली करके भाई अपने भाई के पास जा रहे हैं आज हम। तो यार वी आर आ क्यों नहीं रहा है? आ गया भाई। सो गाइज वी आर बैक हो गया तुम्हारा इधर व्लॉग के अंदर। सो भाई कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इधर चेक करो भाई अपनी परी, क्या लग रही है ना। मिरर उतार के हैं या उधर से सूरज बढ़ रहा है, इधर से दिखाऊंगा तुम्हें। अब चेक करो, ओए 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 मन कर रहा है भाई। किसी विस्सी ले लूँ इसकी यार, वो तो लेते ही रहते हो। खैर मैं भाई एक तो भाई मैसेज करा था आशु भाई स्वागरात मना ली, मैंने कहा हाँ भाई बढ़िया गई बहुत। खैर कोई बात नहीं यार, चीज़ को छोड़ो। अभी यार मिरर उतार के भाई बड़ी लेवल की लग रही है और अभी पीछे से टेल लाइट वगैरह पूरी हट जाएगी इसकी, फिर तो बहन की आँख में कह रहा हूँ भाई रॉकेट लगेगा। और अभी एग्जॉस्ट भी लग जाएगा भाई इसमें। ऐसी खुशखबरी ये है कि अपना एसी लग जाएगा तो जल्दी आपका एग्जॉस्ट भी दिखने वाला है। एक्चुअली कुछ सीन ऐसा है भाई, आज हम जा रहे हैं दिल्ली इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह कराने अपने संजय भाई के पास। मुझे लगता है शायद फर्स्ट बाइक होगी 6R, वैसे तो 2-4 शायद निकल चुकी है। भाई डकार ले लो यार, पहले खाया कुछ है नहीं डकार, पता नहीं किस बात की। एक तो 25 किलो का पेट है यार, खैर छोड़ो। तो संजय भाई के पास फर्स्ट 6R आएगी भाई 2024 फर्स्ट 6R आएगी सिर्फ संजय भाई के पास। जो जितने भी भाई एसेसरीज वाले मॉडिफिकेशन वाले हैं तो भाई के पास मॉडिफिकेशन कराएंगे, सबसे ज़्यादा सामान भाई के पास ही मिलेगा। एंड देखते हैं आज क्या सीन होने वाला, क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी इसमें, क्या क्या सामान लगेगा। बट आज इसको लेवल की बनवा के लाएंगे। और यार मेरे को निकलना था 7 बजे, बट इसकी बहन का नींद मारूँ भाई। कितना टाइम हो गया, 9:20 हो गई। ये इंस्टाग्राम की स्टोरी क्यों नहीं लग रही भाई? अभी मैंने मेंशन किया यार एक्चुअली भाई को, तो मैंने कहा भाई मैं निकल गया हूँ, लग जाएगी। खैर कोई बात नहीं। सो यार अभी तो आपको थोड़ा सा रोड ट्रिप मिलने वाली है और मॉडिफिकेशन का फुल व्लॉग मिलने वाला है। और लेमिनेशन वैमिनेशन कराई थी भाई इस पर, टैंक ग्रिप्स वगैरह टैंक पैडअप सब चीज़ लगेंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो यार। ओहो सो अभी फ्यूल श्यूल करा लिए भाई, पेट्रोल पम्प पर खड़े हुए हैं अभी यार। गाइस फटाफट से निकलते हैं, दैन मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। अभी पहुंच गए भाई मेरे टोल टैक्स, अभी क्रॉस ही किया है बस। एंड भाई अलग ही मज़ा आ रहा है। तुम कुछ चीज़ देख सकते हो गाइस, पसंद है लगा लेना जो समझने वाले होंगे। स्पोर्ट मोड भाई, मैंने कहा यार स्पोर्ट मोड लगाते हैं स्मूथ हो जाएगी भाई। इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना भाई, इतनी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत लेवल की। एंड 10R से भी प्यारी कटिंग है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी कटिंग है भाई। बिल्कुल हल्की बाइक है, देख सकते हो भाई। ओए 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 भाई अलग ही मज़ा आ रहा है लेवल का सीरियसली। एंड भाई इतनी प्यारी कटिंग है ना इसकी भाई, भीड़ शीट में मैं कह रहा हूँ भाई इस तरह चल रही है कि भाई जैसे ड्यूब चल रही है भाई। मतलब जैसे एमटी वगैरह छोटी गाड़ियाँ चलती है, मतलब भीड़ शीट में तुम्हें पता ही है भाई जैसे। और 10R बहुत हैवी थी भाई, बहुत ज़्यादा हैवी। एंड उसके अकॉर्डिंग भाई मेरे को बहुत प्यारी लग रही है एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई मेरे लिए सीरियसली। अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है भाई इसे चलाते हुए। एंड पावर भाई, पावर की कमी नहीं है, पावर बहुत है भाई। जो भाई मेरे को बोल रहे थे 2-4 लोग ये मतलब 10R चला के 6R चला रहा है तो पावर का भाई, पावर का मेरे को इतना सा भी पता नहीं चल रहा। देखो थोड़ा बहुत होता है यार, थोड़ा बहुत यार लगता ही है, बट भाई लेवल की चल रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड अभी ज़रा एग्जॉस्ट वगैरह लग जाए एंड दूसरी सर्विस हो जाए इसकी। स्पोर्ट मोड तो फील्ड लगेगा लेवल वाला। और जैसे ही मोदीनगर मुरादनगर पहुँचूँगा तो वहाँ पर इसको रोड मोड में कर लूँगा दोबारा से, क्योंकि वहाँ पर स्लो ही चलानी पड़ेगी। रोड बहुत ख़राब है, बाईपास से पता नहीं यार जा पाऊँगा नहीं, क्योंकि हाईवे जो मेरठ एक्सप्रेस पे हाईवे उस पर आपको पता ही है बाइक अलाउड नहीं है। तो चलान वलाना हो जाए भयंकर, यहाँ पैसे वैसे ही नहीं है यार। ऊपर से तुम यार सब्सक्राइब ही नहीं करे। भाई जिसने अभी तक आशु यूके राइडर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थूक लगा के बेल आइकन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम टट्टी भी कर रहे हो यार वहाँ पे भी तुम्हारे बाद नोटिफिकेशन आए, तुम बैठ के व्लॉग व्लॉग देखो। खैर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं भाई दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आज होप करता हूँ मैं आगे बस इसको एक बार ही दिल्ली ले रहा हूँ, उसके बाद दिल्ली ना ले रहा हूँ क्योंकि भाई इतने लेवल की भीड़ होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ यार भाई के पास तो जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा यार भाई की वीडियो शीडियो भी डाल दूंगा, प्रॉपर आपको बता भी दूंगा कहाँ पे प्रॉपर एसेसरीज़ वगैरह मिलती है, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो यार। जो भाई सुपर बाइक ले रहे हैं जिसके पास है, तो एसेसरीज़ वगैरह भाई के पास बढ़िया मिलती है, मैं आपको बता दूंगा। तो एनीवेज यार फटाफट से चलते हैं यार, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो गाइस अभी रुके थे पेट्रोल पंप पे, दोबारा से फ्यूल कराया यार, बहन की आँख बहुत ही पी रही यार। तो मैंने अपने पापा को कहना पड़ेगा भाई कोई पेट्रोल शेट्रोल पंप भाई खुलवाओ यार, भाई सुस्सू आ रहा था बहुत तेज़ मूत्र विसर्जन करके। भाई अभी मैं हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है पूरा, लेकिन बुंड का जो हाल हो गया है ना भाई बहुत दुख रही है यार, सीरियसली क्या ही बताऊँ। एंड गाइस एक चीज़ और बताऊँ, इसमें एक चीज़ मेरे को बेनिफिट और मिल गया है, 10R में मेरे को ज़्यादा झुकना पड़ता था, इसमें थोड़ा कम झुकना पड़ रहा है, तो थोड़ा कमर का ना भाई हालत सही हो रखी है फ़िलहाल। वरना जब मैं दिल्ली गया था 10R से बहुत ही बुरा हाल हो जाता था भाई, कितना दर्द होने लगता था। और अभी ऑलमोस्ट हम मुरादनगर पहुंच चुके हैं, ये मोदीनगर जो भी पहले पड़ता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, एंड अभी 1 से 1.5 घंटा तो मेरे को लगता है कि लग जाएगा दिल्ली तक, तो देख ही लेंगे। एंड एक गुड़िया रिएक्शन दे रही थी बहुत देर से, चेक करो बाकी अभी निकलते हैं। हेलो आंटी, ओहो तो गाइस फटाफट से निकलते हैं यार। बाकी यार सीरियसली बताऊं भाई, मैंने जीन्स पहनी है ब्लैक कलर की, और इसमें ना मेरा पिछवाड़ा भाई जो कह सकते हैं ना, तो मैं ऐसा हो रहा है पत्थर भाई सीरियसली बहुत दुख रहा है यार। खैर चलो कोई नहीं, अभी तो झेलना ही पड़ेगा भाई 1 घंटा और। ओहो भाई बहुत स्मूथ है भाई सीरियसली। एंड अभी बस 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 400 किलोमीटर चल गए भाई, और 600 किलोमीटर चाहिए बस मेरे को, उसके बाद की सर्विस होते ही ना भाई मैं आई कांट वेट गाइस। जिस दिन सर्विस होगी उसी दिन इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा, और एग्जॉस्ट लगने के बाद फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा भाई। और शायद मैं उससे पहले बिली भी नहीं मारूंगा मैं इस पर, जब इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लग जाएगा, सर्विस हो जाएगी, उसके बाद ही बिली शिली ट्राई करेंगे। अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया यार, ना मैं ट्राई करूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ पहले इसकी फर्स्ट सर्विस कराऊँ प्रॉपर, उसके बाद ही जो भी होगा उसके बाद ही देखा जाएगा यार। लव यू हो गया सबको, बस तुम यार सब्सक्राइब करते रहो, और यार इंस्टा पे जिसने भी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना यार। आईजीबीटी पहुँच चुके हैं, और देख ही सकते हो यार इसकी बहन का एक तो कमर में भी दर्द हो गया यार, पिछवाड़ा तो दुख ही रहा है, कमर में भी दर्द होने लगा यार अब, क्योंकि यार भाई ये जो मोदीनगर मुरादनगर वाला रूट है ना, जो गाज़ियाबाद वाला भाई, बहुत एंड लेवल की आज ट्रैफिक हो रखा है, एंड लेवल की भीड़ थी। और अभी भी दे सकते हो रेड लाइट पे खड़ा हूँ, उसकी बहन का 2 बार रेड लाइट हो गई पीछे से आते आते इस रोड पे। मैंने कहा तुम्हें बता ही दूँ भाई, भाई मैं सही बताऊँ भाई, अगर तुम दिल्ली आ रहे हो ना तो वोल्वो से आओ सबसे बढ़िया, और मेट्रो पकड़ो, सारे काम निपटाओ अपने भाई। बाइक वाइक से कार वार से तो आना बहुत बेकार है भाई अपना। मैं कार से आता हूँ तो क्या करता हूँ, वैशाली लगा देता हूँ गाज़ियाबाद में, और वहाँ से फिर अपना मेट्रो पकड़ के तुम्हारा भाई फिर बुलेट ट्रेन में बैठता है यार। खैर अभी खुल गई है भाई, देखे इस बार, देखते हैं इस बार निकलेंगे या नहीं, मुझे लगता नहीं वैसे इस बार भी निकल पाएंगे। जिस हिसाब से कुछ चूतियाँ हैं ना भाई, 2-4 लोग चूतियाँ हैं, तो पता नहीं यार स्कूटी लेके बाइक लेके निकल पड़ते हैं, चलानी वलानी आती नहीं है। खैर क्या बोलूँ यार, ओ भाई आराम से मिलते हैं यार आपको। की बहन का झुनझुना मारूँ, 3री बार इस रेड लाइट पर फिर से रुक गया, और आगे फिर एक रेड लाइट आ गई यार इसकी बहन का, क्या बोलूँ यार। देख लो भाई ये अभी जो क्लिप थी पीछे यही रेड लाइट थी यार, इस बार 3rd टाइम था, 3rd टाइम इस बार रेड लाइट हुई है फिर रह गया, लेकिन इस बार निकल जाऊंगा। आगे दिख रही है बस पट्टी, बिल्कुल टेंशन ना लो यार, इस बार हम करोल बाग ही मिलेंगे आपको सीधा। तो फाइनली गाइज अभी पहुंच चुके हैं अपने बेंगल एक्सेसरीज पे, अपने संजय भाई के पास बाइक वो खड़ी है। एंड संजय भाई इधर इधर प्रे में लगे हुए हैं भाई, प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी जल्दी से कस्टमर आ जाए, लाखों रुपए आ जाए भाई के पास। आ गया भाई आ गया, 6 साल लेके इसको काटेंगे आज। कैसे हो संजय भाई, दिल्ली में पहली मतलब जो एक्सेसरीज की शॉप है ना, पहली 6R जो आई है 2024 को तुम्हारी दुकान पे आई है और उत्तराखंड की भी पहली बाइक तुम्हारी दुकान पे आई है। बाहर ही करेंगे कि अंदर करेंगे? अंदर कर लेंगे बाइक को। देन उसके बाद आपको पूरा मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, वैसे तो तुम्हें कैमरे में नज़र आ ही रहा होगा, बट आज प्रॉपर बहुत भाई के क्वेश्चन थे बहुत सारे कि ये सामान मिल जाएगा वो सामान मिल जाएगा, तो आज सारा प्रॉपर डिटेल में मैंने सोचा यार इसलिए भाई के पास चलते हैं एंड प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं। तुम्हें इधर उधर जाने की 2-4 दलील हो गए तो वो काट वाटते भाई बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता ही है भाई। 5,000 का सामान 10,000 में 15,000 में देते हैं, बट 5,000 का सामान आपको 5,000 में मिलेगा, 4800 में मिल जाएगा, बट महंगा नहीं। टेंशन ना लो, अभी बाइक को अंदर अंदर करते हैं, फटाफट से बातचीत करते हैं भाई से, देन आपको पूरा प्रॉपर एक एक एक्सेसरीज एंड डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो हेलो जी भाई, वी आर बैक हो गए तुम्हारे फ़ोन वाले ब्लॉग के अंदर, और अभी एक्चुअली सारा सामान बाहर निकल गया है, एक दो सामान जो है वो भाई ढूंढ रहे हैं एंड मिल ही जाएगा वो भी। बाकी इधर पहली बार तुम देख सकते हो संजय भाई अपना आप लगे हुए बुलबुल के बच्चे पे, एक्चुअली प्यारा सा बच्चा है ना, तो संजय भाई ने बोला मैं खुद ही सब चीज़ लगाऊंगा, टेंशन ना लो। तो भाई इधर बबल वाइजर लग गया है, चेक कर सकते हो भाई, पूरा बहुत प्यारा लग रहा है, कार्बन फाइबर है। बाकी ये जो है, बाकी इसको हम ब्लैक करा लेंगे तो और भी अलग ही लुक आएगा लेवल का। एंड और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टैंक ग्रिप वगैरह लग रही है, अपनी भाई लगा रहे हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। बाकी और सामान अभी निकल गया है, ये टैंक पैड है, एंड गाइज इधर लीवर प्रोटेक्टर है, ये क्रैश गार्ड है, ये क्रैश गार्ड लगेंगे, ये स्पूल्स है ग्रीन कलर के, अभी ब्लू कलर के लगा देते बट हम ग्रीन कलर के लगवाएंगे। एंड वाइजर तो आप देख ही सकते हो भाई, क्या ही भयंकर लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बाकी अभी और दो चार सामान है जो निकालने वाले हैं भाई, देन उसके बाद प्रॉपर रेडी हो जाए, एक रील वील भी बनाऊंगा मैं प्रॉपर इसकी, एंड प्रॉपर आपको पूरा एड्रेस भी दूंगा शॉप का, क्योंकि यहाँ से अलग भाई 6R का छोड़ो किसी चीज़ का सामान नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे सामान है। एंड मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि इतना सामान मिल जाएगा, बट 6R का बहुत सारा सामान मिल गया। अभी प्रॉपर पहले ये सारा सामान फिट हो जाए, फिर एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सा सामान हमारी बाइक पे लगा है एंड कितना प्यारा लग रहा है, अभी आपको सब दिखा दूंगा। एंड प्राइस, अगर प्राइस पूछने होंगे आपको, G900 से लेकर सारी बाइक का यहाँ पे तुमको पता है यार, सामान सब मिलता है, तो आप कोरियर भी करा सकते हो, किसी भी सिटी से हो आप, वहीं पे आपका पहुँच जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। तो अभी यार फटाफट से बाइक रेडी हो जाए पूरी, देन उसके बाद हम थोड़े सिनेमैटिक शॉट लेंगे इसके, एंड शॉप के भी शॉट लेंगे जितने इनके पास क्रैश कार्ड वगैरह सब चीज़ जितनी एसेसरीज रखी हुई है, एंड एक दो रील भी बनानी है। तो फटाफट से इसको रेडी करते हैं, देन उसके बाद इसकी 2-4 शॉट लेके आपको आगे का दिखाते हैं। सो हेलो जी, वी आर बैक हो गया भाई, अभी शाम हो चुकी है एंड बाइक का फाइनल लुक हो चुका है। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है भाई अभी 6R लॉन्च हुई है तो इसका सामान मिलना ना इम्पॉसिबल है, और कहीं होगा भी नहीं संजय भाई से अलावा। एंड अभी सिर्फ तुमको ऊपर की दिखाते हैं। अब ये चेक करो, तुम फाइनल लुक चेक करो भाई, बाइक का आ रही है भाई कुछ अलग ही लग रही है, कुछ लेवल की लग रही है अलग। एंड ये भी बहुत प्यारी चीज़ लगाई संजय भाई ने, एंड ये बाकी इसको टाइट वाइट कर देंगे, और बाकी आपको संजय भाई सब कुछ बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्योंकि मेरे को आधी चीज़ों का पता भी नहीं है, सीरियसली बताऊँ। संजय भाई ने अपनी बाइक समझ के लगाया, तो बताओ संजय भाई क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं। तो स्टार्टअप जो हम करते हैं हमारी ये विंडशील्ड से, ये कार्बन फाइबर ओरिजिनल विंडशील्ड है 6R की, मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो इनको जैसे इन्होंने बोला तो मैंने बोला भाई आ जाओ देख लेते, जो फिट हो जाएगा वो करा दूंगा। तो ये हमने एक ए फिट कर दिया है, ये विंग वाले मिरर, इसके अंदर एक किया हमने फोक स्लाइडर, और इसकी ओरिजिनल आरएनजी की रेडिएटर गिल, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्लाइडर फिट किया है, वो सर्वेज का ओरिजिनल, ठीक है। और ये हमारी आफ्टर मार्केट जो करोल बाग की मार्केट की है लीवर गार्ड, ठीक है, ये लीवर गार्ड दिया है हमको बढ़िया वाले इनको। एक इसमें हमने जी टाइप वाला टैंक, ये चेक करो, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बाइक के कलर के साथ मैच कर रहा है पूरा, मोटोग्राफी का ओरिजिनल है पर ये जी टाइप है, ठीक है। साथ में ये टैंक ग्रिप लगा दिया है इसका, ये भी बहुत, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कंपनी की है, इसकी लोगों साथ मिलेगा जिसमें ओरिजिनल होगा। कॉपी में तो आजकल बहुत से लोग कॉपी बना रहे हैं और लोगों को बना रहे हैं, उनका काम ही है बनाना, बिल्कुल, पर वो दूसरे की बुराई करते फिर आजकल, बिल्कुल। तो ये सारी काम हुआ, साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड किया है, ये आता नहीं है, मैंने अपने दिमाग लगाया कि जो कुछ कलर चेंज हो जाए तो ये लगा दिया है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। एंड स्टैंड में ये चीज भी चेक करें आप एक बार, ये भी ZX-6R का है, ये भी भाई ने स्पेशल मेरे को मंगा के दिया है कहीं से, और बहुत ही प्यारी चीज़ लग रही है अभी। एंड में हमने लगाया इसके अंदर एक आरएनजी की स्पूल। सो गाइस देखो, जैसे पैडोक वगैरह पे लगानी हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे मेन चीज़ मैग्नेटिक हैवी मैग्नेटिक, इससे अंदर नहीं जाएगा, चाहे पत्थर मारो ईंट मारो इससे अंदर नहीं जाएगा। जो पुलिस वाले करते हैं ना लॉक हटा देते हैं, ये नहीं जाएगा पीछे, क्योंकि इसके अंदर है हमारा पीछे लॉक, ये देखो यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को जब लगाएंगे तब ये बंद होगा, ये देखो गाइस ये पूरा बंद हो जाएगा यहाँ से, एंड उससे फायदा रहेगा, चलान वलान से बच जाऊंगा भाई मैं पूरा। एंड एक बार तुम लुक चेक करो पीछे से, क्या ही लग रही है भाई, पीछे से अगर देखोगे ना S2 लग रही है पूरी जिस हिसाब से इसका कलर है। एंड सबसे बड़ी बात, और गाइस इसमें लाइट भी है, ये भी हमें प्लस पॉइंट है हमारे पास। एंड इधर भाई साहब अब चेक करो गाइस, ये चेक करो लाइट है, और ये मस्टैग कंपनी इसकी है ब्रांड, यही सब माल मंगाते हैं सारे के सारे। सुबह भाई ने जितनी भी चीज़ें लगाई सारी ओरिजिनल चीज़ें लगाई हैं, बहुत प्यारा फाइनल लुक आ चुका है बाइक के अंदर। बाकी अब बहुत के मन में ये चीज़ होगी। खैर अपनी में जो व्लॉग आएगा और अपनी जो ZX-6R है वो ओनली वन इन इंडिया है, मतलब जो मॉडिफाइड हो चुकी है। एंड उत्तराखंड की तो पहली है ही मेरी, बाकी जो मॉडिफाई होगी फुल भाई अभी लोडेड हो गई है, दो चार चीज़ें और बाकी है, दो चार चीज़ें थोड़ा 10-15 दिन के अंदर आ जाएंगी तो वो भी इसमें लोड करा लेंगे, देख ही लेंगे। और सिर्फ भाई ये चीज़ें सामान सारा, मतलब A to Z 6R की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बाइक का सामान, कोई भी सुपर बाइक हो, अगर कोई भी सामान चाहिए सही प्राइस में किसी भी कंपनी का, एग्जॉस्ट से लेकर हर चीज़ तक, अभी आपको मैं एक करके एक्सेसरीज भी दिखाता हूँ और सिनेमैटिक भी डाल दूँगा, तो संजय भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी संजय भाई अपना एड्रेस प्रॉपर बता दो एक बार। नई दिल्ली, करोल बाग, हरदांग सिंह रोड, बंगाल असेंबली मोटर, और 1795 ग्रेड नंबर 52। इसमें नंबर भी बोल दो, बाकी मैं मेंशन भी कर दूंगा गाइस। नंबर मेरा 7290896172। और गाइस आपको एग्जॉस्ट ओरिजिनल से लेके रेप्लिका तक सारे एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इधर ये आप देख ही सकते हो। एक बार मैं सिनेमैटिक ले लेता हूँ नॉर्मल ब्लॉग में ही, बाकी अलग से मैं हमें एक सिनेमैटिक ले लेंगे। अगर आपके काम की कोई भी चीज़ होगी तो उस पर टिक करके भाई को फोटो भेज देना स्क्रीनशॉट मार के, एंड कुछ डिस्काउंट मेरी साइड से मिल जाएगा। तो संजय भाई अगर मेरा नाम लेकर आएगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा वो तो पहले से देता था मैं और दे देंगे भाई। वैसे तो संजय भाई का जो नेचर है तुम्हें बताइए भाई, मैं तो खैर मेरे को लास्ट टाइम जब ZX-6R में भी हमने एक्सेसरीज लगवाई थी वो भी संजय भाई के यहाँ से गई थी, एंड अब ZX-6R लिए तो ये भी संजय भाई के पास आई, और अगर फ्यूचर में कोई बाइक आएगी तो वो भी संजय भाई के पास ही आएगी। एंड अपने ग्रुप में बहुत सारी बाइकें, मतलब 1-2 बाइक हो सकता है आ जाए Z900, तो वो भी संजय भाई के पास जाएगी। बाकी इसका जो है रील वील भी डालने वाले हैं। हाँ सो गाइस एक चीज़ और आ गई है, एड ऑन हो गई है, इसका क्या नाम है, टैंकिस। सो गाइस ये भी बहुत प्यारा लगा, फुल कार्बन फाइबर है एंड मतलब बाइक के कलर के साथ ना मैच कर रहा है प्रॉपर पूरा। तो अभी यार भाई के साथ 1-2 रील भी बना लेते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आपको पेज मिल जाएगा, भाई के साथ रील मिल जाएगी मेरी, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड वीडियोस वगैरह डलती रहती है जो भी बाइक्स वगैरह इनके पास आती है। अगर किसी को इंजन से लेके किसी भी चीज़ का काम कराना हो, कोई फेयरिंग वगैरह कुछ भी, तो भाई के साथ सब मतलब भाई के पास सारे पार्ट्स भी अवेलेबल है, प्लस सारा काम भी हो जाता है इंजन वगैरह का, सब चीज़ का, और बहुत सही प्राइस में। एंड मैं नहीं मानता कि करोल बाग में भाई जैसा कोई प्राइस देता होगा। तो अभी यार इसके 1-2 सिनेमैटिक ले लेते हैं, देन आपको 1-2 सिनेमैटिक में भाई के एक्सेसरीज का डाल दूंगा शॉप का। तो अगर कोई भी चीज़ आपको परचेज करनी हो और किसी भी सिटी में आप हो, तो अगर कोरियर कराना हो कोरियर भी प्रॉपर हो जाएगा, जो भी कोरियर चार्ज होगा वो आपको बस देना पड़ेगा। बाकी एक बार आओ, विजिट करो और अपने आप खुश हो जाओगे आप। तो फटाफट से यार अभी इसके सिनेमैटिक लेते हैं, देन मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर। Surfing with